हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने फ्रेश टॉपिक के साथ हैं और आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो है हमारा इनकम टैक्स में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। राइट स्टूडेंट्स, तो आज की डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगी कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। आज मैं ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं फैमिलियराइज़ ये करा देता हूँ कि क्या है सेट ऑफ और क्या है कैरी फॉरवर्ड। राइट, हमेशा की तरह आप ये ध्यान रखें, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप स्टडी करते हैं तो अगर आपको पहले उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स पता चल जाते हैं तो बहुत आसान बन जाती है बात। राइट, तो बस स्टार्ट करते हैं मेरे साथ साथ सेट ऑफ का मतलब। अब मैं पहले आपको सेट ऑफ का मतलब बताता हूँ, फिर नीचे लिखी लाइन का मतलब मैं आपको बताऊँगा। राइट, सेट ऑफ का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन के पास, अगर कोई इंडिविजुअल या कोई असेसी जिसको किसी एक हेड से लॉस हो गया, मान लो एक बंदा है जिसके पास एक बिजनेस है और उसे उस बिजनेस का नाम मान लो B1 है। क्या नाम है? B1। उसे B1 बिजनेस से क्या हो गया? लॉस हो गया। और लेकिन उसके पास एक बिजनेस 2 भी है और उससे उसे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। तो अब वो उस B1 के लॉस को, बिजनेस 1 के लॉस को B2 के प्रॉफिट से क्या कर सकता है? सेट ऑफ कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। बताओ हाँ कि ना? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगी। मान लो B2 से उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 12 लाख रुपए का हुआ है, ₹12 लाख B2 से। राइट, लेकिन बिजनेस वन से उसे 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो बताओ अब जो उसकी टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए वो क्या 12 लाख होगी? नहीं, वो अपने B1 के लॉस को अपनी B2 बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो क्या होगा? वो दिखाएगा कि B2 की इनकम कितनी है, 12 लाख रुपीस, जिसमें से B1 का लॉस कितने का था, ₹2 लाख का। तो वो B2 के इनकम में से B1 के बिजनेस के लॉस को क्या कर लेगा? सेट ऑफ कर लेगा। और उसकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो ₹10 लाख आएगी। तो उसने करा क्या? उसने सेट ऑफ का मतलब ही क्या है कि अपने एलिजिबल प्रॉफिट्स, या कह लो जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, उसमें से अपने लॉसेस को एडजस्ट कर लेना, उसी को सेट ऑफ बोलते हैं। तो सेट ऑफ का मतलब एक बार मेरे साथ साथ बोल दो, क्या हुआ? अपने एलिजिबल प्रॉफिट्स में से अपने लॉसेस को अगर एडजस्ट करने की मैं कह रहा हूँ तो उसे ही हम सेट ऑफ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो लॉसेस हैं हमारे, या तो वो सेम हेड से सेट ऑफ हो पाते हैं, मतलब विद इन द सेम हेड, मतलब PGBP का लॉस है तो PGBP की इनकम से ही होगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही होगा, ऐसा है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि लॉस एक हेड से हो और उसे हम सेट ऑफ किसी और हेड की इनकम से क्या कर सकते होंगे, सेट ऑफ करना अलाउड होगा। इसका मतलब अगर मैं आपको सेट ऑफ के बारे में बताऊं तो सेट ऑफ दो तरीके से, ज़रा सामने देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट सेक्शन 70, और दूसरी तरफ लिखा है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स का मतलब है विद इन द सेम हेड, मतलब PGBP के लॉस PGBP की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे, कैपिटल गेन के लॉसेस कैपिटल गेन की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे, या कह लो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ होने वाले। सेम हेड की बात होगी तो सेक्शन 70 है और जिसको हम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो सेक्शन 70 से बात नहीं बनी, मतलब सेम हेड से मैं अपने लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाया, तो लॉ कहता है उदास होने की बात नहीं है, लॉ कहता है आप मेरा हाथ पकड़िए, सेक्शन 70 में बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं, आप चलिए सेक्शन 71 में। 71 हमें क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 71 ये कहता है कि वो लॉसेस जो सेम हेड से, मतलब सेक्शन 70 से सेट ऑफ नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन 71 में आके उसे अदर हेड्स की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब हुआ क्या? अभी हमने एग्जांपल लिया था B1, बिजनेस 1 में हमें 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था? अब मान लो B1 से हमें लॉस हो गया और हमारे पास और कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अवेलेबल है हमारे पास, तो सेक्शन 70 तो कहता था कि सेम हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है, मतलब आप अपने लॉस को सेम हेड की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो, ये सेक्शन 70 कहता है। लेकिन अगर हमारे पास सेम हेड की कोई इनकम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसे अपने दूसरे हेड की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना उसके भी कुछ रूल्स, सर्टेन एक्सेप्शंस और रूल्स भी हैं, तो वो बातें हम अपने अगले लेक्चर में करने वाले हैं। आज मेरा आपको काम क्या है बताना कि सेट ऑफ होता क्या है। मैं आज कोई कैरी फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का तो मतलब आप समझ चुके हो कि जो हमारे पास एलिजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उसमें से हम अपने लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, उसी को ही हम सेट ऑफ कहने वाले हैं। वो सेट ऑफ, वो लॉसेस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या तो विद इन द सेम हेड, मतलब क्या PGBP के लॉस हैं तो PGBP की इनकम से ही करो, कैपिटल गेन के लॉस है तो कैपिटल गेन की इनकम से ही सेट ऑफ करना, उसे हम बोलेंगे सेक्शन 70, जिसका नाम है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। क्या है दोबारा एक बारी? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट विद इन द सेम हेड, कंफ्यूज नहीं होना।
लेकिन अगर सेक्शन 70 में बात नहीं बनी सॉरी सेक्शन 70 में अगर बात नहीं बनी तो सेक्शन 71 में जाइए और अपने लॉसेस को दूसरी इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी बिजनेस से लॉस हुआ है तो आप उसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हाँ कि ना, वो बात की बात है। तो मैं चाहता हूँ आपको कि आज आपको इस लेक्चर से ये क्लियर हो जाए कि सेट ऑफ का मतलब है लॉसेस को एडजस्ट करना किन से, अपनी इनकम से। अगर सेम हेड से ही बात बन गई तो सेक्शन 70 है सर, जिसको हम बोलेंगे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। और अगर सेक्शन 70 में बात नहीं बनी तो हम आ जाएंगे सेक्शन 71 में, वो कहता है कि हम किसी और हेड की इनकम से भी अपने लॉसेस को क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। सेक्शन 70 मतलब सेम हेड और 71 मतलब अदर हेड से हम उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, अगर 70 में भी बात नहीं बनी, 71 में भी बात नहीं बनी, तो लॉ कहता है, क्या कहता है लॉ, कि हम इस लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब पहले सेक्शन 70 देखना पड़ेगा, सेम हेड से देखना पड़ेगा सेटलमेंट, अगर नहीं हुई तो सेक्शन 71 में आ जाओ, अदर हेड्स में आ जाओ, और ठीक है। तो अगर क्या हुआ, सेक्शन 70 में भी बात नहीं बनी और सेक्शन 71 में भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं हुए, हमारे पास प्रॉफिट्स थे ही नहीं, हम लॉसेस को एडजस्ट कर नहीं सकते थे, तो होगा क्या, क्या सेक्शन 71 के बाद कहानी रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। लॉ कहता है, डिपार्टमेंट कहता है, आप उन्हीं लॉसेस को आगे लेके जा सकते हैं और फ्यूचर में उन लॉसेस को अपनी एलिजिबल इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो समझ जाओ चेन है, सेक्शन 70 पहले, हमें हमेशा सेक्शन 70 देखना है, मतलब विद इन दी सेम हेड। विद इन दी सेम हेड बात नहीं बनी तो आ जाना है सेक्शन 71 में, जो कि कहता है आप अदर हेड से भी अपनी इनकम को, अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एलिजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसे सर्टेन पीरियड तक एज पर लॉ उसे सेट ऑफ आगे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर में जाके अपने लॉसेस को अपने एलिजिबल प्रॉफिट्स में से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना उसकी टाइम लिमिट लॉ ने हमें बता रखी है, कभी वो 4 साल होती है, कभी वो 8 साल होती है और डिफरेंट केसेस में अलग अलग होती है, राइट। तो दोबारा एक बार मेरे साथ सर फटाफट से, नंबर वन सेक्शन 70 देखोगे, बिल्कुल सर 70 क्या कहते हैं, सेम हेड, बिल्कुल आप अपने लॉसेस को अपने सेम हेड से ही सेट ऑफ कर पाओगे। 70 में बात नहीं बनी तो 71 में आ जाना, 71 कहता है कि भाई अगर सेम हेड से बात नहीं बनी थी सेक्शन 70 में तो 71 में आओ और अदर हेड की इनकम से अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर लो। और अगर 71 में बात नहीं बनती, ना 70 में बनी ना 71 में बनी, तो आप उन्हीं लॉसेस को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करके अपनी फ्यूचर इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अलग अलग रूल्स हैं, जिनकी डिस्कशन हम अपने आगे की क्लासेस में करने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो बस आज का टॉपिक था सेट ऑफ समझना आसान भाषा में, ठीक है ना। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको और टेक्स्ट की वीडियोज़ मिलेंगी और आपकी हेल्प हमेशा की तरह होगी, राइट। तो अच्छे से पढ़ें, सेट ऑफ का मतलब समझें, आगे हम डिस्कशन करेंगे सेट ऑफ के बारे में आगे और वीडियोस में, और फिर कैरी फॉरवर्ड को भी हम लोग डिस्कस करने वाले, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।